गोजो इज फाइनली बैक, स्मोक हट चुका है एंड वहाँ पर ऑनर्ड वन खड़ा है। बट गौर से देखो तो उसके माथे पर स्टिचेस हैं। फर्स्ट लुक में तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि केंजाकू है, बट इट्स नॉट। हालांकि मैं तुम्हें इतने ज्यादा इंटरेस्ट से बता रहा हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया ही नहीं है। हाँ आई नो इट्स यूटा, बट I don't know. Don't worry, इसी के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, आखिर हुआ कैसे ये हम एक्सप्लेन करेंगे। बट पहले सवाल ये है कि ये गोजो की जो बॉडी यूज की जा रही है यूटा के द्वारा, उसके लिए उसने परमिशन ली थी कि नहीं? Well, इसका आंसर है कि हाँ, इसने परमिशन ले रखी है एंड ऑनर्ड वन को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट चैप्टर से शुरुआत करें तो देखा जाएगा कि वहां पर यूजी को पकड़ा हुआ था सुकुना एंड देन वो डोमेन एक्सपेंशन बोलने ही वाला था और सडनली वहां पर गोजो आ जाता है एंड गोजो को देखकर वो यूजी को धक्का मार देता है। द बेस्ट पार्ट हियर इज कि सुकुना को पता है पहले से ही कि उसके अंदर यूटा है, वरना अगर सुकुना हमें नहीं बताता कि उसके अंदर यूटा है, हम तो यही अज्यूम करके चलते कि केंजाकू है। यूटा ने गोजो की बॉडी को यूज करने के लिए केंजाकू की टेक्निक यूज की। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है बहुत पुराना, जहां पर हमें पता चलता है कि रीका केंजाकू की बॉडी को कंज्यूम कर लेती है ताकि यूटा जो है कर्स टेक्निक यूज कर सके केंजाकू की। अब माकी बोलती है कि सिर्फ 5 मिनट टेक्निक यूज कर सकते हो तुम, बट प्रॉब्लम उन 5 मिनट में नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू होती है उन 5 मिनट्स के बाद। मेमे वहां पर बताती है कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर सोल और फिजिकल बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाया यूटा तो उसकी डेथ हो जाएगी। द सेकंड सिनेरियो वाज कि अगर कर्स टेक्निक्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट इमीडिएटली नहीं। एंड द थर्ड सिनेरियो वाज कि अगर सिंगल टाइम टेक्निक यूज करने वाले हो तो तुम उसे 5 मिनट से ज्यादा भी यूज कर पाओगे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि यूटा जैसे ही गोजो की बॉडी में जाएगा वो अपनी टेक्निक्स यूज नहीं कर पाएगा।